जय हिंद साथियों। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, जो हम लोगों ने ट्रेंड चलाया था ट्विटर पर 29 तारीख को 11 बजे से, जो हमारा ट्रेंड जो चलाया था बहुत ही अच्छे तरीके से सफल रहा। लेकिन मामला यही पे खत्म नहीं हो जाता। हम जो चलाए थे ट्रेंड, इसमें हमारा लगभग कि 1.5 मिलियन प्लस हमारा जो ट्वीट हो गए हैं, और ये एक नंबर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रहा है। ये है युवाओं का दम, ये हमारे फौजी भाइयों का दम। लेकिन यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान देने वाली है। क्या बात है, इस बात को सुनिए। पहले जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखना मेरे भाई। सबसे पहला बात कि हम लोग जो आंदोलन शुरू किए हैं, ये सिर्फ डिजिटल प्रोटेस्ट होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ डिजिटली सरकार के पास अपनी मन की बात डिजिटली पहुंचाना है। कोई आंदोलन नहीं, कोई तोड़फाड़ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कहीं किसी के साथ कहीं मतलब रोड पे जाम नहीं, चक्का जाम नहीं, कोई ऐसी नहीं कर, प्रतिक्रिया नहीं करना। नहीं तो आर्मी का रूल होता है, आपके अंदर कोई भी कानून एक लग जाता है, आपके ऊपर कोई भी धारा लग जाती है, तो आपके सेना में जाने का सपना साकार नहीं हो पाता है। आपका अगर फिजिकली क्लियर कर लोगे, मेडिकली क्लियर करोगे, रिटर्न करोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपका जो वेरिफिकेशन होता है उसमें बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपके तरफ सरकार आपके तरफ से उसका जो मतलब कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरे भाई कभी भी गलत काम मत करना, सेना एक स्वच्छ प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमको अपने दिल के बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इस ट्विटर ट्रेंड को हमेशा जारी रखना है। 2-3 दिन लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा, एक नंबर ट्रेंड पर हमेशा पोस्ट करते रहना है, ट्वीट करते रहना है, जब तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। लव यू मेरे भाई, लव यू, इसी प्यार बनाते रहो। जय हिंद, भारत माता की जय।